वेलकम फ्रेंड्स टू इंडियन सिंपल लाइफस्टाइल इन यूएसए। आज सैटरडे सुबह है तो ऑलमोस्ट 9:30 हो रहा है, तो मैं अपने और राजीव के लिए थोड़ा सा चाय बना लिए हैं। तो ये सैटरडे संडेज ही होता है ना जब मैं थोड़ा सा चाय पीती हूँ, या नहीं तो मैं एकदम से चाय पर्सन नहीं हूँ, और चाय के साथ ऐसे मिल्क टी के साथ तो बिस्किट्स बनता ही है। तो ये है कराची का जीरा बिस्किट्स जो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं अपना चाय और बिस्किट्स इंजॉय कर रही हूँ। बस सैटरडे संडे का सुबह ना ऐसे ही लेजी, एकदम से लेजी, और ऐसा ही होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। तो अभी गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड नून हो चुका है, ऑलमोस्ट 12 बज चुके हैं। और आज मैं ना एकदम से लेट से भी लेट उठी हूँ। आज मैं उठी हूँ ऑलमोस्ट 9:30, क्योंकि कल रात को मैं सोई हूँ ऑलमोस्ट 3:45 ऐसा कुछ, क्योंकि फ्राइडे होता है और अंश ना अच्छे से लिविंग रूम में ही वो सो गया। तो हम लोगों ने बोला चलो फिर मूवी देखते हैं। ऐसा बहुत, अभी अंश होने के बाद ना ये मूवी देखना बहुत कम हो गया। और हम लोग ना बहुत ज्यादा, मतलब दोनों ही मूवी पर्सन थे। सैटरडे संडे एक दिन तो हम लोग जाएंगे कहीं घूमने, मतलब जब अंश नहीं हुआ था, और एक दिन जाते थे हम लोग थिएटर, मूवी एटलीस्ट 2 या 3 मूवीज देखते थे, इतना मूवीज के पागल थे। तो कल ना शुरू किया, कल पहले कुछ एक सीरीज देख रही थी हिंदी वाला, बैंड बाजा बारात, वो शायद अमेजोन में था। फिर हम लोगों ने एक मूवी देखा, वो हम लोगों ने शुरू ही किया कुछ ऐसे 1 o'clock तो वो था इज लव एनफ सर, सर बोल के ही वो आता है, SIR सर, पर उसका फुल नेम है इज लव एनफ सर। माय गॉड, इस नेटफ्लिक्स का एक मूवी है, इतना अच्छा मूवी मैं बहुत दिनों के बाद देख रही हूँ। एक तो मतलब थोड़ा सा स्लो काइंड ऑफ मूवी है, अगर आप लोगों को लव स्टोरी पसंद है, थोड़ा सा डिफरेंट काइंड ना, ये मूवी आप लोगों को देखना चाहिए। शायद ये जनवरी में रिलीज हुआ था, मैंने बहुत पहले इसका ट्रेलर देखा था, फिर मैं भूल गई थी। कल पता नहीं मैं कुछ अपने यूट्यूब में देख रही थी, तो यूट्यूब में इसका भी एक मतलब के वो लिंक आया था, तो मुझे याद आ गया। तो मैंने राजीव को बोला यार आज मुझे ये मूवी देखना ही है, एंड वर्थ सीइंग। मतलब 3:30 बजे तक मैं जगी थी, तो वो बिल्कुल मतलब के अच्छा हुआ कि मैं जगी थी। इतना सुंदर सा मूवी, इतना अच्छा मूवी मैं बहुत दिनों के बाद देखी हूँ। जैसा एक्टिंग वैसा, मतलब मुझे अच्छा लगता है, स्लो मूवी इज नॉट अ मैटर टू मी, कि स्लो मूवी हो तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कोई गाना नहीं है, अब गाना मुझे देखना ही अच्छा नहीं लगता है हिंदी मूवीज में, तो थोड़ा सा स्लो था। और इतना सुंदर सा एक लव स्टोरी बहुत दिनों के बाद देखा मैंने, तो दिल एकदम से मतलब खुश हो गया। फिर रात में कुछ 2 बजे दोनों को ही नींद आ रहा था थोड़ा सा, मतलब राजीव को ज्यादा आ रहा था, तो उसने बोला देवली ना, जैसे उसको पता है कि मैं बिल्कुल भी कॉफी नहीं पीती हूँ, उसने बोला चाय पियोगे इतनी रात को, बोला यार क्या प्रॉब्लम है, पीते है ना। तो फिर हम लोग, राजीव ने चाय बनाया, और इतना अच्छा चाय, जैसे इंडिया में जैसे दुकान में नॉर्मल से चाय के दुकान में कुल्लर में जैसे चाय मिलता है ना, बिल्कुल वैसा चाय बनाया था। मतलब बहुत दिनों के बाद मैंने राजीव को बार बार बोल ही दिया तुम्हारा चाय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर रात में हम लोगों का ना एक जैसा कपल डेट काइंड ऑफ हो गया। तो राजीव को बोल रहे थे कि कितने दिनों बाद ना ये ऐसा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा ना हस्बैंड वाइफ, बच्चे हो जाए, जितना भी हम लोगों का उम्र हो जाए ना, डजेंट मैटर, ऐसा एकाध डेट तो होना ही चाहिए, चाहे वो बाहर हो घर में हो, डजेंट मैटर, पर ये ना वर्थ होता है। तो चलिए सैटरडे है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेट से उठी हूँ। हम लोगों ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, अंश ब्रेकफास्ट करके अभी वो बाहर गया है खेलने, उसका फ्रेंड बाहर है तो वो भी चला गया बाहर खेलने के लिए। और एक जो आज इम्पॉर्टेंट है वो है, आज हम लोग दोनों वैक्सीन ले रहे हैं। तो कल ही ना हम लोगों के एक फ्रेंड ने, इधर पे वो लोग जैन हैं, उन लोगों के टेम्पल पे ना ऐसे वैक्सीन दे रहा है। और परसों से इधर पे तो सभी के लिए खुल गया ना, तो हम लोगों ने भी उधर पे ही डेट ले लिया, तो वो फाइजर का ही है। तो आज हम दोनों वैक्सीन लेने के लिए जाएंगे 4:30 बजे, उधर पे टाइम दिए हैं। तो पहले हम लोग सोचे थे ना अलग अलग से लेंगे, अगर किसी को तबीयत खराब हो तो एटलीस्ट अंश को देखने के लिए कोई रहेगा। फिर सोचा सैटरडे संडे है, फिर ले लेती हूँ, क्योंकि अभी ना इधर पे थोड़ा सा रश बढ़ चुका है, क्योंकि सभी के लिए खोल दिया है ना, तो डेट मिलना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो वैसे ही मिल रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो जो भी होगा देख लेंगे। तो अभी मैं इसलिए क्या कर रही हूँ ना, थोड़ा सा ज्यादा खाना बना रही हूँ। जैसे मैं चिकन थोड़ा सा ज्यादा बना के रख दूंगी, फिर मैं फिश बना रही हूँ वो भी ज्यादा बना के रख दूंगी, और आज का पूरा एकदम से नॉन वेज फूड है। तो आज मेरे घर में बनेगा, जैसे मैं रोहू फिश लाई थी तो उसका नाम है, जैसे उस दिन मैं उगादी के वो सेलिब्रेशन में जिनके मेरे फ्रेंड के घर गई थी ना, उधर से ना मैंने बनाना लीव्स वो लोग लाए थे, तो बनाना लीव्स से ही हम लोग खाना खाए थे, तो वो बनाना लीव्स थोड़ा सा ज्यादा था, तो मैंने उसको बोला यार तू दे दे मुझे। तो मैं ना उसके साथ उसको दे के एक फिश का करी बनाऊंगी, जिसका मैं ना रेसिपी भी बना लूंगी, क्योंकि बनाना लीव्स ज्यादा मिलता नहीं है इधर, तो उसका मैं रेसिपी बना लूंगी। फिर चिकन बनाऊंगी, वो भी थोड़ा सा ज्यादा बना के रख दूंगी, कि कल अगर मुझे मेरा तबीयत खराब हो या राजीव का तबीयत खराब हो ना, तो हम लोगों का एटलीस्ट खाना बनाने का टेंशन ना रहे। और अंश का खाना बनाने में तो वो फटाक से बन जाता है, वो हो जाएगा। और मैं बना रही हूँ जो रोहू फिश का हेड है, अगर कोई बंगाली हो तो आप लोगों को तो पता ही है हम लोग फिश का कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, तो वो रोहू फिश का जो हेड है ना, मैं उससे आज मूढ़ी घंटों बनाऊंगी। ये एकदम से बिल्कुल से ऑथेंटिक से सिर्फ और सिर्फ मतलब बंगालीज के घर पे ही बनता है, तो वो भी मैं बना लूंगी। वो शायद आज के लिए ही हो जाएगा, पर फिश और चिकन मैं ज्यादा क्वांटिटी में बनाऊंगी ताकि कल भी हो जाए। और कल का रात का जो मैं चिकन पुलाव बनाई थी ना, वाह यार सच में मुझे पता ही नहीं चला कि इतना भी अच्छा बन सकता है, वो इतना ही अच्छा बना था। तो इसको ना एक बार जरूर ट्राई कीजिए आप लोग, जैसे मैं बनाई थी वैसे ही रेसिपी फॉलो करके ट्राई कीजिए, एकदम से आपके घर का फेवरेट मिलिए बन जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी काम फिनिश करती हूँ। आज का रेसिपी और मैं कुछ शेयर नहीं करूंगी, पर हाँ चिकन मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे से बनाऊंगी, तो चिकन का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए जल्दी जल्दी काम करते हैं, क्योंकि बहुत सारा काम है। फिर 4:30 बजे तक ना काम पूरा फिनिश करके, मतलब 3:45 तक हम लोग निकल जाएंगे घर से, तो बहुत सारे काम है, जल्दी जल्दी अभी फिनिश करती हूँ। तो अभी ना मैंने खाने का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन कर लिया, जैसे अंश का खाना मैंने चढ़ा दिया। फिर अभी ना मैं फिश हेड को फ्राई कर रही हूँ, उसको अलग से जल्दी से चढ़ा दूंगी। और मैंने जो किया वो है मेरे पूरे ये हफ्ते का जिंजर पेस्ट और पूरा हफ्ते का गार्लिक पेस्ट, मैंने ऐसे ही ना पूरा हफ्ते का सिर्फ 1 वीक के लिए ही मैं ना बना के ऐसे रख देती हूँ एयरटाइट कंटेनर में। फिर थोड़ा सा ऑयल देके रखती हूँ, पूरा ऐसा ही कलर रहता है, एक हफ्ते तक अच्छा ही रह जाता है। पर मैं ना सोचती हूँ ऐसे छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं ग्लास के ऐसे डिब्बे होते हैं ना, वो मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे ना प्लास्टिक के कुछ भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। हालांकि मैं थोड़ा बहुत यूज़ तो करती हूँ, पूरा मेरे पास ग्लास का नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ ना अभी कोई स्टोर पे जाऊँ ऐसे ना, ये सारे चीज़ जो इधर पे एक डाइसो जापान बोल के है, जापानीज डॉलर्स तो नहीं, उस पर वो $3-4 की विद इन $5 सारे चीज़ें मिलते हैं, वो स्टोर में ना बहुत अच्छा मिलता है, छोटे छोटे चीज़ भी शायद मुझे मिल जाएगा। मैं राजीव को बोल रही थी मुझे एक दिन ना वो स्टोर जाना है, तो मैं वो छोटा छोटा लेके आऊँगी जाके, ताकि जो ये सैटरडे संडे जो मैं जिंजर के पेस्ट गार्लिक के पेस्ट सारे बनाती हूँ ना, उस पर ही मैं रख सकूँ। चलिए अभी बस यही चल रहा है, इसके बाद ये बनाने के बाद ना मैं सोच रही हूँ फिश बना लूँ, उसके बाद मैं चिकन, जैसे चिकन का क्या होता है कि चिकन मैं चढ़ा के भी ना फिर मैं नहाने जा सकती हूँ। और अंश अभी तक नहीं आया, ऑलमोस्ट 12:30 बज रहा है उसको, मतलब सैटरडे संडे हम लोग कुछ ज़्यादा बोलते भी नहीं हैं, और लेट भी आज उठा है वो, तो वो अगर मतलब आज तो सोए, मतलब सो नहीं सकता है, अगर मतलब उसको सोना भी हो नहीं सो सकता है, क्योंकि हम लोग 3:45 या ऐसे तो निकल जाएंगे, तो उसका सोना भी नहीं होगा। जितना देर खेल ले फिर आके ना वो नहा वहा के उसको मैं खाना दे दूँगी, आज फिश से मैं उसका जो खाना बनाई हूँ वही दे दूँगी, और ऐसे ही नॉर्मल राइस तो बनेगा ही। तो चलिए फिर मैं ना चिकन का रेसिपी जब बनाऊंगी ना तब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा ये सैटरडे स्पेशल चिकन बनाने के लिए मैंने इधर पे ऑलमोस्ट 2 kg चिकन ले लिए हैं। इधर पे मैं ऐड करूँगी ऑलमोस्ट 2.5 tablespoons जिंजर गार्लिक पेस्ट, और 4 tablespoons मैं ऐसे कर्ड ऐड कर रही हूँ इसमें,
अभी मैं इस पे रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी करीबन 1.5 टीस्पून। फिर इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 3 टीस्पून, और थोड़ा सा कम मैं इस पे जीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ करीबन 1.5 टीस्पून। और उसके बाद मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दिए हैं और थोड़ा सा मेरे घर पे बनाए हुए गर्म मसाला ऐड कर रही हूँ, और इसी के साथ मैंने थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दिए हैं। अभी मैंने ना हाथ को अच्छे से ही धो लिया है। मैं ना हाथ से ही थोड़ा से सारे चीज़ों को मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। ये चिकन बनाने के लिए ना आपको मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है, पर ऐसे ही आप थोड़ा सा इसको सारे चीज़ों को कंबाइन करके रख दे। अभी मैंने एक पैन पे ऑयल ले लिया है करीबन 4 to 5 टेबलस्पून। उस पर मैं एक बड़ी इलायची, फिर दालचीनी और 3-4 ऐसे तेज़पत्ता ऐड कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा ये एरोमेटिक होने तक थोड़ा सा इसको भून लूँगी। तो देखिए मेरा ये सारे चीज़ें एरोमेटिक हो चुका है। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी, करीबन 2 टेबलस्पून। मैंने कसूरी मेथी ऐड करने के बाद ही ना वो बहुत जल्दी जल जाता है, तो इसलिए मैंने अनियंस ऐड कर दिए हैं। और इसके साथ मैं थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा शुगर, देखिए अभी अनियंस को ना मतलब ऑलमोस्ट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लूँगी मीडियम टू हाई फ्लेम में। और ऐसे थोड़ा सा शुगर दीजिएगा ना तो अनियन का कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए मेरा अनियन ब्राउन हो चुका है। अभी मैं इसमें मैरिनेटेड चिकन डाल रही हूँ, और ये चिकन के साथ अनियन को अच्छे से अभी ना मैं मतलब मीडियम आंच में भून लूँगी करीबन 10 मिनट्स तक। तो ऐसे ही कोई आप चिकन बना रहे हो, चिकन मटन, थोड़ा सा अगर अच्छे से आप भूनोगे ना तो वो टेस्ट ही अलग आता है। तो देखिए मेरा चिकन ऑलमोस्ट अच्छे से भुन चुका है, ऑयल भी बाहर आ चुका है। अभी मैं इसमें एक पेस्ट ऐड कर रही हूँ जिस पे मैंने ऑलमोस्ट 20 कैशूज और 1/4 कप ऑफ पम्पकिन सीड्स से मैंने बनाया है। पम्पकिन सीड्स के जगह आप थोड़ा सा जो वाटरमेलन सीड्स है 4 मगज वो भी ऐड कर सकते हो। तो अभी ना मैं नहाने चली गई थी, अभी ये चिकन बना रहा है राजीव, ये मैं नहीं हूँ। तो देखिए अभी चिकन को ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक भून लिया है हम लोगों ने। तो उसके बाद ना इस पे मैं थोड़ा सा वाटर ऐड कर रही हूँ, करीबन 1 कप ऑफ वाटर मैंने ऐड कर दिया है। तो थोड़ा सा तो ग्रेवी चाहिए ही होता है अगर आप राइस के साथ इसको खा रहे हो। तो अभी मैं इसको ढक्कन लगा के लो टू मीडियम फ्लेम में ऑलमोस्ट 15 मिनट्स तक, जब तक चिकन ना बॉयल हो जाए तब तक कुक करूँगी। तो अभी मैं 15 मिनट्स के बाद देख रही हूँ मेरा चिकन अच्छे से बॉयल हो चुका है। अभी ना मैं मतलब मेरा कैमरा ऑफ़ हो चुका था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा जायफल के पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दिया था, 2 पिंच। ज़्यादा मत ऐड कीजिए नहीं तो वो कैसा अलग सा टेस्ट हो जाता है। और उसके साथ मैंने थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स भी, चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स भी ऐड कर दिए थे। तो बस हो गया मेरा चिकन, एकदम से रेडी है। बहुत बहुत अच्छा बना था ये चिकन। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, तो थोड़ा सा लेट हो गया आज क्योंकि मतलब जल्दी जल्दी पूरा खाना वाना बनाने, और खाना भी मैंने ज़्यादा बनाया ना तो लेट हो गया। मतलब उधर पे तो ऑन टाइम पहुंच जाएंगे, पर खाना वाना जल्दी जल्दी खाना पड़ा थोड़ा सा नहा के आके। फिर हम लोगों ने बस वो फिश के जो सब्जी बनाए थे जो राइस से, जो फिश के हेट का, तो वो और वो फिश करी जो बनाए थे वो दोनों देखे हम लोगों ने, खाना खा लिया। और हाँ, चिकन भी बन गया है, पर चिकन रात में खाएंगे। थोड़ा सा अभी टेस्ट किया, सारे खाना बहुत ही अच्छा बना था। तो अभी बस हम लोग निकल चुके हैं, पहुँच जाएंगे। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का ड्राइव है हम लोगों के घर से। थोड़ा सा टेंशन नहीं, थोड़ा सा कैसा लग रहा है, हाँ पहली बार ऐसे कोई वैक्सीन जो कभी लिए नहीं है ऑब्वियसली, पर ठीक है वैक्सीन लेना पड़ेगा, कुछ हो मतलब कर नहीं सकते। पर हाँ, तो कुछ लोगों का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे फीवर आ रहे हैं, फिर हाथ में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हाथ में जो जिस हाथ में वो लोग दे रहे हैं ना, कुछ दर्द तो ज़्यादा हो रहा है। तो देखते अभी क्या होता है। अभी लेने के बाद अगर हम लोग दोनों का ही तबीयत थोड़ा बहुत ठीक रहा ना, तो आज को थोड़ा सा पार्क में उसको लेके जाएंगे, क्योंकि वो सुबह से बोल रहा है उसको पार्क में जाना है, क्योंकि सैटरडे संडे है। तो देखते हैं अभी कितना जल्दी उधर से होता है, फिर अगर थोड़ा सा ठीक लगा दोनों को ही, फिर थोड़ा सा पार्क में मतलब
अल्टीमेटली वैक्सीनेटेड. कहाँ है? इधर. सो अल्टीमेटली वैक्सीनेटेड हो गया. बहुत बहुत ही जल्दी जल्दी हुआ और अंदर ना बहुत अच्छा, मतलब के बहुत अच्छे से इन लोगों ने किया है. तो ये है ना एक जैन टेम्पल है, तो उन लोगों ने ही ऑर्गेनाइज किया ये. और चलो पहला तो हो गया और नेक्स्ट इन लोगों ने डेट दिया है मई 8 को. तो बस हो गया, अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है. और बहुत मतलब ऐसे ही जस्ट नॉर्मली घिसा दिया, तो अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. और 15 मिनट्स उन लोगों ने ऐसे ही बैठने के लिए बोला था अंदर में ही. तो अभी हम लोग चल रहे हैं, कोई पार्क में चलते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर घर जाएंगे. हे सो अभी बहुत लेट हो चुका है, ऑलमोस्ट 9:30 हो रहा है. मैं ना अंश के साथ हम लोग पार्क पे गए थे, तो वो सेम पार्क गए थे क्या आप लोगों को हर एक सैटरडे संडे वो सेम ही पार्क में लेके जाऊँ, इसलिए मैंने वो आज पार्क में कोई वीडियो भी नहीं किया. तो अंश ने बहुत अच्छे से खेला वेला, फिर हम लोग घर आए. वो उस पार्क में ही ना मुझे थोड़ा सा इधर पे जहाँ पे ये दिए है ना इधर पे ही ये पूरे एक थोड़ा सा ऐसा पोर्शन राउंड करके थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था. तो फिर उतना मतलब उतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था मुझे जहाँ पे ये वैक्सीन दिया था. फिर आने के बाद, घर पे आने के बाद मैंने थोड़ा सा, राजीव ने बोला मुझे कुछ थोड़ा सा भूख लग रहा है, तो मेरे घर में एक वाटरमेलन था तो मैंने वाटरमेलन का जूस बनाया. ये सब कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था. फिर बर्तन था कुछ, फिर बर्तन धोए. फिर मैंने राजीव को पूछा तुम क्या खाओगे फिर रात में, चिकन तो है ही, चिकन के साथ क्या खाओगे, पराठे बना दो, रोटी बना दो क्या. उसने बोला बहुत दिन से वो चावल का रोटी नहीं खाए हैं, तो वो चावल के आटे का जो रोटी होता है ठीक है, वो तो मैं रात को ही बनाऊंगी क्योंकि वो तो मतलब थोड़ा सा गर्म गर्म ही होना तो अच्छा लगता है. तो ये सब हो रहा था, तो अचानक से मतलब हम लोग बैठ के ना बात कर रहे हैं, तो अचानक से ना अंश ने इधर पे धक्का दिया, मतलब वैसे खेलते खेलते ही. तो उसके बाद दर्द शुरू हुआ है एंड इट्स क्वाइट पेनिंग मी, मतलब इधर पे. और ये ना स्टिफ हो गया है, मतलब पहले से ही वो देने के बाद ही ना स्टिफ हो गया था. जब दिया ना कुछ भी नहीं लगा, मतलब कि फील भी नहीं हुआ कि उसने दे, मतलब उन्होंने दे दिया फिर. पर ठीक है चलो, ये दैट्स नॉर्मल. मैं बस अभी फिंगर क्रॉस कि बस ये दर्द के ऊपर से ही चला जाए और कुछ ना हो. मतलब हाथ की इधर से इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऊपर का थोड़ा सा लग रहा है. तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं. अंश अभी सोने के लिए चला गया है, वो दोपहर को भी नहीं सोया था ना, उसको नींद आ गया है. और मैं ना इधर पे इतने सारे, पर हाँ मैं बना के रख दूंगी, अगर नहीं खाना हुआ इतना तो मतलब कल भी खा सकते हैं. तो ये चावल का मैं रोटी बनाऊंगी, चावल के आटे का. तो मैंने बना के डो बना के फिर ऐसे बॉल साइज करके उसको रख दिया है. तभी राजीव बाहर आएगा तो पहल के हम लोग खा लेंगे. तो बस यही था मेरा वैक्सीनेशन का एक्सपीरियंस अब तक. मैं कल आप लोगों को अपडेट करूंगी फिर से कि कल मैं कैसी हूँ एंड ऑल. होपफुली सब कुछ ठीक रहे, अदरवाइज सच में प्रॉब्लम हो जाएगा. पर राजीव को ऑलमोस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बोल रहा है कि हाँ थोड़ा सा हाथ लगाओ ना, वो स्टिफ हो के जगह रहे. पर मुझे नहीं पता, वो अंश ने जब इधर पे ही उसने धक्का मारा ना, उसके बाद से काफ़ी दर्द हो रहा है मुझे. पर चलो कोई बात नहीं. तो उन्होंने ना बोला है कि अगर तबीयत खराब हो, फीवर आए या ज़्यादा दर्द हो ना, बस टाइनेनॉल ने लेके लिए बोला है. और एक कुछ दवाई के नाम बोला था, उन्होंने बोला टाइनेनॉल इज द बेस्ट प्रेफरेंस कि टाइनेनॉल ही लो. तो मेरे घर में टाइनेनॉल है, सो जस्ट लाइक प्रेइंग गॉड कि मुझे टाइनेनॉल लेने का वो नौबत ना आए, देखते हैं. तो चलिए आज का व्लॉग भी मैं इधर ही फिनिश करती हूँ. होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा है. अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक प्लीज कर दीजिए, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि मैं जब भी कोई और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास भी आए. तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय.